1857 की क्रांति का एक बड़ा नाम साहिबे आलम बहादुर लॉर्ड गवर्नर जनरल बख्त खान है। उन्होंने दिल्ली में अंग्रेज़ों के विरुद्ध संघर्ष का नेतृत्व किया था। दिल्ली पतन के बाद भी उन्होंने हार नहीं मानी थी। लखनऊ और शाहजहांपुर में विद्रोही बलों में शामिल होकर अंग्रेज़ों के विरुद्ध युद्ध लड़ने वाले मोहम्मद बख्त खान का जन्म बिजनौर के नजीबाबाद में हुआ था। बख्त खान रोहिल्ला पठान नजीबुद्दौला के भाई अब्दुल्ला खान के बेटे थे। 1817 के आसपास वे ईस्ट इंडिया कंपनी में भर्ती हुए। पहले अफगान युद्ध में वे बहुत ही बहादुरी के साथ लड़े। उनकी बहादुरी देखकर उन्हें सूबेदार बना दिया गया। 40 वर्षों तक बंगाल में घुड़सवारी करके पहले एंग्लो अफगान युद्ध को देखकर जनरल बख्त खान ने काफ़ी अनुभव लिया। मेरठ में सैनिक विद्रोह के समय वे बरेली में तैनात थे। अपने आध्यात्मिक गुरु सरफराज अली के कहने पर वह आज़ादी की लड़ाई में शामिल हुए। मई खत्म होते होते बख्त खान एक क्रांतिकारी बन गए। बरेली में शुरुआती अव्यवस्था लूटमार के बाद बख्त खान को क्रांतिकारियों का नेता घोषित कर दिया गया। उन्होंने 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में नायकों एवं नायिकाओं को कुशल नेतृत्व प्रदान करते हुए ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना के खिलाफ कमांडर इन चीफ की भूमिका निभाई थी। उन्हें अंग्रेजों की सेना में 40 साल का अनुभव प्राप्त था। उन्होंने रुहेलखंड में खान बहादुर खान के नेतृत्व में किए गए विद्रोह में ब्रिटिश कमांडर को पराजित किया था। इसके बाद उन्होंने बरेली में ईस्ट इंडिया कंपनी के खजाने पर भी कब्जा किया और अपने सैनिकों के साथ दिल्ली पहुंच गए। 1 जुलाई को बख्त खान अपनी फौज और 4000 मुस्लिम लड़ाकों के साथ दिल्ली पहुंचे। इसी समय बहादुर शाह जफर को देश का सम्राट घोषित कर दिया गया। सम्राट के बड़े बेटे मिर्जा मुगल को मुख्य जनरल का खिताब दिया गया। बख्त खान को सम्राट शाह जफर ने उन्हें सेना के वास्तविक अधिकार और साहिब आलम बहादुर का खिताब दिया था। इन्होंने मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर द्वारा कमांडर इन चीफ के तौर पर नियुक्त किए जाने के बाद सेना को नए तरीके से व्यवस्थित किया। इन्होंने अलग तरह से प्रशासनिक परिषद की स्थापना करके कई गणतांत्रिक सुधार किए और विशेष संवैधानिक नीतियां बनाई। उन्होंने कहा था कि सिर्फ इतना ही काफ़ी नहीं होगा कि अंग्रेज़ों को दिल्ली से बाहर खदेड़ दिया जाए, बल्कि वे उन्हें भारत के राज्यों के आसपास के इलाकों से भी खदेड़ना चाहते थे। इसके बाद बख्त खान के नेतृत्व में लंबी जंग लड़ी गई। बख्त खान ने बहादुर शाह जफर को सुरक्षा प्रदान की, दिल्ली को अच्छा प्रशासन देने की कोशिश की। कहा जाता है कि जब मोहम्मद बख्त खान अपने इस अभियान में व्यस्त थे तो राज परिवार के कुछ ईर्ष्यालु सदस्यों और स्वार्थी व्यापारियों ने बहादुर शाह जफर को गुमराह कर दिया। उन्हें जैसे ही इस बात का पता चला, इन्होंने स्वेच्छा से अपने कमांडर इन चीफ का पद त्याग दिया। इसके बाद इन्होंने अपनी स्वयं की सेना के साथ अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ कई लड़ाइयां लड़ी। अंत में दिल्ली की हार लगभग तय हो गई थी। तब बख्त खान ने बादशाह को अपने साथ लखनऊ चलने का प्रस्ताव भी भेजा था, लेकिन बादशाह ने इनकी सलाह पर कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि बादशाह उस समय अपने आसपास के चापलूसों और धूर्त लोगों के प्रभाव में थे। तब बख्त खान ने दिल्ली छोड़ दी और अवध पहुंच गए। बेगम हजरत महल के साथ मिलकर ये अंग्रेजी सेना के खिलाफ लड़ाई लड़ते रहे, किंतु लखनऊ पर अंग्रेजों का कब्जा हो जाने के बाद इन्हें बेगम हजरत महल के साथ नेपाल की पहाड़ियों में निर्वासित कर दिया गया। मोहम्मद बख्त खान ने वहीं से अंग्रेजी सेनाओं के खिलाफ पुनः लड़ाई छेड़ने का प्रयास किया, लेकिन नेपाल के शासक का सहयोग नहीं मिलने के कारण अपने प्रयासों में सफल नहीं हो सके। मोहम्मद बख्त खान, जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया और भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में सफलतापूर्वक कई लड़ाइयां लड़ी, 13 मई 1859 को अंतिम बार लड़ते हुए शहीद हो गए। बख्त खान को वर्तमान पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में दफनाया गया।